स्वागत है आपका एसबीएन न्यूज में। आइए लुक करते हैं कुछ खास। परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। लंबे समय से ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार करती आ रही उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की शिक्षिकाओं ने शुक्रवार को मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को पूरा करने तथा ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर ऋतु त्यागी के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षिकाओं ने एकजुट होकर ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में आवाज बुलंद की। अपनी मांगों को लेकर शिक्षिकाओं ने जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं बेसिक शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जिलाध्यक्ष डॉक्टर ऋतु त्यागी ने कहा कि सभी विभागों में हाजिरी की अन्य प्रणाली लागू की गई है, मगर परिषदीय शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, जो सही नहीं है। महिला शिक्षक संघ में हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुलोचना मौर्य के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर हम सब लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं और एक ज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें हम लोग जो डिजिटल अटेंडेंस के बारे में टीचर्स पे दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में हमारा ये एक निवेदन है कि पहले हमारी कुछ मांगे हैं, कुछ हमारी समस्याएं हैं, पहले उनका समाधान किया जाए, तब हम डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि महिलाएं हैं, समस्या ज्यादा रहती है और दूर दूर क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग है। कितना भी घर से निकलो लेकिन फिर भी प्राकृतिक आपदा का हम कुछ नहीं कह सकते, तो थोड़ा सा अगर हमें 15 मिनट या 30 मिनट देर हो जाए तो हमें अनुपस्थित ना माना जाए। इसके अलावा हमारे विभाग में हाफ सीएल का कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम स्कूल गए और उसके बाद हमारे घर से फोन आ गया कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है या हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई है और हम वहां जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम चले गए तो हमें पूरे दिन अनुपस्थित माना जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि हमें हाफ सीएल की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा एक हमारी मुख्य मांग है कि प्रतिकर अवकाश, क्योंकि बहुत सारे जो कार्य हैं सरकारी हमसे अवकाश के दिनों में करवाए जाते हैं लेकिन उसका हमें प्रतिकर अवकाश नहीं दिया जाता। तो हमारी पुरजोर मांग है कि अगर हम अवकाश के दिनों में हमसे कार्य कराया जाता है तो हमें उसके लिए प्रतिकर अवकाश दिया जाए और वो प्रतिकर अवकाश हमें सीधे पोर्टल के माध्यम से मिले। स्थानीय अधिकारियों की अनुकंपा उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी एक मुख्य मांग है ईएल। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे टीचर्स को कोई सुविधा नहीं है ईएल की। अगर हमारे परिवार में किसी की शादी है, किसी की डेथ हो गई है, यहाँ तक कि इवन टीचर्स या टीचर्स की खुद की शादी भी है तभी उन्हें चिकित्सा अवकाश लेना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि खुद की शादी में हम लोग चिकित्सा अवकाश लेकर करते हैं। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि हमें 30 ईएल की व्यवस्था हमारे लिए जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो राज्य हमारी जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुविधा दी जा रही है वो हम लोगों को भी दी जानी चाहिए। और इसके साथ हम डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे, जो हमारी टीचर्स बहुत बहुत दूर जा रही है, रास्ते में देखिए 70-70-80-80 किलोमीटर दूर उनका मुख्यालय है, रास्ते में जैसा बरसात का मौसम है नदियां चढ़ रही है, कहीं पेड़ रास्ते में गिर गए तो वो क्या मानक लेकर जाएंगी। तो अगर हमें कभी थोड़ा बहुत विलंब हो जाए आधा एक घंटे का तो उसमें हमें अनुपस्थित ना माना जाए। और इसके अलावा जैसा भी हमारी ये वाली मांग है, सरकार क्योंकि बहुत संवेदनशील है महिलाओं के प्रति, तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस समस्याओं को भी, क्योंकि महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता और दोहरी मानसिक तनाव में हम लोग रहते हैं। अभी देखा होगा परसों एक रामपुर की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो ऑनलाइन अटेंडेंस के दबाव में थी। मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकती हूँ अगर ये एज इट इज व्यवस्था लागू हुई तो ना जाने हमारे कितने टीचर्स की